हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. देर आर 10 पोटैटोज इन लाइन सी बिलो फिगर. ए कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, runs back to pick up the second potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues the same way until all the potatoes are in the bucket. ठीक है, क्या सिचुएशन है? ये एक बकेट है, ये एक गर्ल है, यहाँ पे पोटैटोज रखे हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद हर 3 मीटर के बाद एक एक पोटैटो रखा है. ये गर्ल है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले वो इधर गई, फर्स्ट पोटैटो को पिक करा, वापसी आई, इस पोटैटो को इसमें डाल दिया. उसके बाद दोबारा गई, सेकंड पोटैटो को पिक किया, वापसी आई और इसमें डाल दिया. उसी तरीके से दोबारा गई, थर्ड पोटैटो को पिक करा, आई और इसमें डाल दिया. ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक गए 5 मीटर, इसको उठा के वापसी आई 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा एक पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर. अब इस सेकंड के लिए, अब यहाँ से वो दोबारा गई, यानी 5 और 3 8 8 मीटर गई और 8 मीटर वापसी आई, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 16 किलोमीटर. अब थर्ड के लिए 5 3 8 और 3 11 11 का डबल 22 यानी 22 मीटर ट्रैवल करा. ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने बताना है. ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस रन टू पिकअप 6 पोटैटोज एंड व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपिटिटर. अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट पोटैटो इज एट ए डिस्टेंस ऑफ फाइव मीटर, सेकेंड पोटैटो इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 + 3 = 8 मीटर, थर्ड पोटैटो इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर. इन दिस वे the potatoes are at a distance of 5 meter, 8 meter, 11 meter and so on from bucket. ठीक है students, अगला point वो क्या कह रहे हैं, टू पिक वन पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो एंड कम बैक टू पुट इन बकेट गर्ल हैज़ टू ट्रेवल और cover distance double of it, therefore distance covered to pick potato are 10 meter 16 meter, 22 meter and so on. ठीक है, now let A is the distance covered by girl to pick first potato. ठीक है, therefore A is your 10.
डी क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6. इट इज एन ए पी नाउ, इट इज एन ए पी नाउ. ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं. समझ आया स्टूडेंट, ए हमारा 10 हो गया, डी हमारा 6 हो गया. फर्स्ट है डिस्टेंस टू रन 6 पोटैटो. फर्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पोटैटो. सिक्स्थ पोटैटो मीन्स एन इज इक्वल टू 6 एंड 2.A6. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए 6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. ए प्लस 5D. पुट कीजिए, ए कितना है 10 प्लस 5 इंटू 6, दैट इज 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 मीटर. ठीक है, सो द डिस्टेंस रन टू पिक सिक्स्थ पोटैटो इज 40 मीटर्स. अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपीटिटर. कैसे करेंगे, देयर आर टोटल 10 पोटैटोस. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल टू पिक ऑल पोटैटोज इज एस 10. ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस 10. एस 10 मतलब 10 बाय 2. ए कितना है 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी कितना है 6. 2 से 10 कट गया 5. 2 इंटू 10 20 प्लस 9 इंटू 6. सो टोटल डिस्टेंस इज 370 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था. आई थिंक सबको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये. ठीक है, इसमें काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल में डबल नहीं करते उसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.